अगर आपकी भी स्किन ऑयली है तो इस बात को तो शायद आप भी काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगे कि विंटर्स में ये ऑयली स्किन किस तरह से कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में बदल जाती है। एक्चुअली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में होता ये है कि स्किन के कुछ भाग पर ड्राई पैचेस बन जाते हैं तो फेस पर बाकी स्किन ऑयली हो जाती है। इन फेस पर ये ड्राई पैचेस स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, वहीं जो स्किन ऑयली है वहाँ पर पिंपल्स और इम्प्यूरिटीज बढ़ती ही जाती है। अगर आप भी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो इसका बहुत ही आसान एंड इफेक्टिव सा सॉल्यूशन है ई मेगा मार्ट का ये डी वॉश फेशियल फोमिंग फेस वॉश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालू एंड आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए डी वॉश फेशियल फेस वॉश का कंप्लीट रिव्यू एंड डिटेल्स। तो आइए जानते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये है डी वॉश मॉइस्चराइजिंग फेशियल फेस वॉश, जो कि स्पेशली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए तैयार किया गया है। इसमें है कोकम बटर, शिया बटर और भी स्किन को नरिश एंड हाइड्रेट करने के लिए स्पेशल फॉर्मुलेटेड इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद है। डी वॉश आखिर है क्या एंड ये स्किन पर किस तरह से वर्क करता है? डी वॉश से फेस को क्लीन करने के बाद ये स्किन को काफ़ी अच्छे से नरिश एंड हाइड्रेट करता है, साथ ही ये स्किन को बटरी सॉफ्ट फील देता है। इस फेस वॉश का क्रीमी एंड मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला ड्राई एंड एक्स्ट्रा ड्राई सेंसिटिव स्किन पर बहुत ही जेंटली वर्क करता है, साथ ही ये पोर्स को डीप क्लीन भी करता है एंड पोर्स में जमा इम्प्यूरिटीज एंड डर्ट को काफ़ी सॉफ्ट तरीके से बाहर निकालता है। और इस तरह से लगातार डी वॉश का यूज़ करने पर ये आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर रख कर नेचुरली आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड सफल बनाता है, यानी कि अनइवन जो कॉम्बिनेशन है आपका उसे इवन करने का काम करता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको इस फेस वॉश को कंटिन्यूअसली यूज़ करना होगा, तब जाकर आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। अब इस फेस वॉश को यूज़ करने का सही तरीका क्या है जिससे कि आपको इसका बहुत ही जल्दी और इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल सके? कंसिस्टेंसी है इसकी किसी शेविंग क्रीम की तरह, जो कि स्किन पर बहुत ही इजीली ग्लाइड होता है। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा गर्ली एंड स्वीट है एंड जब भी आप इससे अपने फेस को क्लीन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 60 सेकंड तक कंटिन्यूसली फेस को क्लीन करना है। फेस वॉश को अगर आप दिन में 3 से 4 बार भी यूज़ करेंगे तो भी ये आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई वगैरह नहीं करेगा, चाहे आप इसे विंटर्स में लगाएं या फिर विंटर्स के अलावा। सो ये मॉइस्चराइजिंग फेशियल फेस वॉश स्पेशली तैयार किया गया है ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर आप अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं तो इसे हमेशा के लिए भी अपने स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं। एंड हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले ही इसे यूज़ करें, कोई भी स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। बात करें इस फेस वॉश की पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग आप देख ही रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी है। इस तरह से यहाँ पर फ्लिप दे रखा है, ट्यूब पैकेजिंग आती है इसकी, जिससे कि आप इसे ट्रेवल पर ले जा सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रेवल फ्रेंडली है। कहीं से भी कोई भी लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम इसकी पैकेजिंग के साथ नहीं होती है। एंड रही बात इसकी कीमत की, तो ये बड़ी और छोटी पैकेजिंग में अवेलेबल है, जिसकी बाय लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। साथ ही आप इसे व्यू प्रोडक्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए ये डी वॉश तो बेस्ट है ही। अगर आप स्किन वाइटनिंग के लिए कोई अच्छा सा फेस वॉश अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो उसका वीडियो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर दे रखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियो हमेशा और सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।